खबर भारत गंज प्रयागराज की, दिनांक 14/8/2022 को नगर पंचायत भारत गंज में ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला अध्यक्ष प्रयागराज मुजीबुर रहमान साहब की अगुवाई में हुई, जिसमें उपस्थित पदाधिकारी गणों में मोहम्मद मुंतजार पूर्व जिला संगठन मंत्री प्रयागराज, जुलकर नैन जिला संगठन प्रभारी प्रयागराज, मोहम्मद सत्तार वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य, सिराजुद्दीन उर्फ बाबा पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष भारत गंज व अध्यक्ष प्रतिनिधि भावी अध्यक्ष पद प्रत्याशी सरफुद्दीन जोदा जिला महासचिव प्रयागराज, मोहम्मद शाहिद विधानसभा अध्यक्ष 259 मेजा सिराजुद्दीन उर्फ छंगू 259 मेजा संगठन प्रभारी राशिद अली यूथ नगर अध्यक्ष भारतगंज, ग्यासुद्दीन नगर अध्यक्ष भारतगंज आदि पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। बता दें कि यह बैठक सतार सेठ के भारतगंज निवास स्थान पर हुआ। अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दीजिए। मैं मुजीबुर रहमान एडवोकेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला अध्यक्ष प्रयागराज जी। आज जिस मकसद से बैठक की गई यहाँ पर सत्तार सेठ सत्तार भाई के घर पे यहाँ पर निवास स्थान बन गए, उसके बारे में कुछ आप बताए। आज हम लोग इलाहाबाद से चल करके सर्वजनीन भारत में हमारा आना हुआ और यहाँ से खासतौर से आज जिले के जिला महासचिव जनाब फखरुद्दीन साहब को नियुक्ति पत्र दी गई, फखरुद्दीन साहब को और विधानसभा अध्यक्ष मेजा जनाब मोहम्मद साहिब साहब को बनाया गया और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला अनिहाल बिहार चेयरमैन प्रत्याशी घोषित करेंगे और हम बहुत ही मजबूती के साथ चेयरमैन लड़ेंगे और 13 वार्डों में ही अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा मंसूबा आपने बना रखा है। एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, इस तरह में चल रहा है आजादी अमृत महोत्सव, उसको लेकर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है हर जगह से, क्या आप उसमें सहभागिता लिए? हमारी पार्टी भी इंशाल्लाह कल राष्ट्रीय झंडा रोहण के बाद करैली पार्क से करीब हम लोग आयु अधिकारियों को भी संज्ञान बांध दिया है, करैली थाने को भी दे दिया है, कम से कम 50 लोगों की बाइक करैली निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। तो और आपके जो भी संगठन के लोग हैं हर एक जगह मौजूद, जिस तरह से नगर पंचायत भारत में आप आए हुए हैं, यहाँ भी आपके काफी लोग हैं, क्या इनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है? उनको निर्देश दिया गया है, हम तो चाहेंगे और तिरंगा यात्रा निकाले। अच्छा अच्छा, तो कुछ नए पद पे नियुक्त किया गया लोगों को? जी। तो कितने लोग बात किए गए फिलहाल? अभी तो फिलहाल नामित 4 लोग किए गए हैं, जिसमें 2 लोगों का नियुक्ति पत्र दिया गया है, एक हमारे नगर अध्यक्ष जनाब गयासु भाई को बनाया गया है, इंशाल्लाह इनको बहुत जल्दी लेकर मिल जाएगा और यूथ का हमारे नौजवान साथी राशिद अली साहब को बनाया गया है, इनको भी नियुक्ति पत्र अंतरित दे दिया जाएगा। जी जी, इस समय मौजूद है हमारे सामने, आप देख सकते हैं सत्तार भाई और साथ में सरदीन भाई साहब पूर्व चेयरमैन है, क्या ये लोग भी आपके पार्टी से कोई नियुक्ति लिए या तो अपनी नियुक्ति को दिया या ये लोग किस तरह से आपके साथ काम कर रहे हैं? यहाँ पर जब हम कदम रखे हैं सत्तार भाई का हम भी हमेशा हाथ रहा है, सबकत वाली मोहब्बत वाली हाथ मेरे से बुनता रहा है, मैं पहली बार कदम रखा हूँ सत्तार भाई के निरीक्षण में रखा हूँ, इंशाल्लाह के अनुसार यहाँ बहुत जल्द हमारे सिराजुद्दीन साहब को चेयरमैनी का कैंडिडेट घोषित किया जाएगा और हम चाहेंगे इंशाल्लाह ताला वो बड़े जोर जोर से लड़ेंगे और अल्लाह ताला उनको फतह भी दिलाएंगे। एक कड़ा सवाल और है, यहाँ सामने बैठे हुए सिराजुद्दीन उर्फ छंगू जो कि ऑलरेडी है अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रभारी भी हैं समाजवादी पार्टी से, तो इनके बारे में क्या कहेंगे? कभी रहे थे, इससे पहले हमारे पार्टी को फाउंडर मेंबर रहे, मैं जब से एमआईएम जानता हूँ हमारे जवाहर अंसारी साहब एमआईएम से जुड़े हैं, फाउंडर मेंबर रहे हैं, बीच में ठीक है कहीं गए थे, अगर सुबह का बोला काम किया जाए अपने घर में तो बोला नहीं करते, आज हमारे जवाहर साहब हमारे पार्टी में हैं और हमारे पार्टी के यहाँ मेजर विधानसभा के संगठन प्रभारी भी। अच्छा, बड़ी जिम्मेदारी से कोई बात जी, क्या कहना चाहेंगे इनके सामने जिन जिस तरह से बात रखा है मुजीबुर रहमान साहब ने आपके लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन में तो आपने कहा है विधानसभा अध्यक्ष की बात की आपने, विधानसभा अध्यक्ष में भंग हो चुका है, भंग हो गए तो भंग तो है कहीं भी जाते जी जी। सत्ता भाई अभी कुछ दो बात रखेंगे पार्टी के लोग? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, हमको इतने लोग बैठे हैं यहाँ पे हमारे घर पे, सब मेहमान हैं हमारे, समझ गए ना, और हम तो समझते हैं इस टाइम पे
और इसी के अलावा तो कोई लीडर ही नहीं है। तो ऐसे लोग जो हमारे पास बैठे हैं तो हमको तो बहुत फखर की बात है, तो हमारे पास आ रहे जी। बहुत अच्छा, बहुत स्पष्ट आपने बात रखा है सैदुद्दीन साहब, आप हमारे पूर्व चेयरमैन हैं और यहाँ इस टाइम मौजूद हैं। भाई यहाँ के जितने भी नगर पंचायत हैं जैसा भी वो करेंगे डायरेक्शन देंगे हम तैयार हैं, समझ गया ना। चुनाव का अगर ये प्रक्रिया रहेगी हमारी जो भी कहेंगे हम आप जनता भाई, यानी कहेंगे आप गए कि आप AIMIM पार्टी से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। इसलिए भाई हम कह रहे हैं हम आज तक जितनी भी पार्टियां हैं जितनी पार्टी हमें अपना है वो मांग करते थे, दोस्त मांग करते चाहे राजनी जैसे भी लड़ाए चाहे जिसको भी लड़ाए थे, अभी हमारे यहाँ मेहमान बन गया है उनकी अच्छी बातें लगी हमें। तो इसके पहले भी आप शामिल नहीं थे क्या? नहीं नहीं, मुलाकात हुई थी एक बार और हमसे। आज पहली बार आप रूबरू हो रहे हैं आपसे अच्छे से जी। धन्यवाद जी सर, आप लोगों ने अपनी बात रखा है। धन्यवाद जनजाति चैनल समय इस्लाम अंसारी नगर पंचायत भारतगंज प्रयागराज से।